How much? 5,000. Score? It's my rate. Oh. 200. What? That's my rate. Oh. Get lost. Oh. Black Cobra. Cheja. क्यों राम, तुमने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया। क्या है वो? तुमने जीते जी स्वर्ग के दर्शन करवा दिए। लेकिन इंडिया के बीच में रहने के बावजूद भी गोवा ही फेमस है। गोवा का पहला और आखिरी लेटर क्या है? गोची, कोची। इसीलिए ये इतना फेमस है। राम, इस फिगर को तो देखना एक बार, बिल्कुल रूप रानी की तरह दिख रही है। क्या राम, कुत्ते की तरह दिख रहे हो? सही गेस किया है तूने। तुझे एंजॉयमेंट करना बिल्कुल नहीं आता। देखा, मैं जाकर गोची गोवा की खूबसूरती का नजारा देखकर अभी लौट आता हूँ। ठीक है, बाय। हाय, यू आर व्हाइटिस, आई एम ब्लैक। हाय, ओ ओ स्टॉप इट, सॉरी आई एम ब्लाइंड। ओ आई एम सो सॉरी, मे आई हेल्प यू? विद प्लेजर। सच में प्लेजर है। स्लो 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 हाँ ठीक है। कूल बेबी, ओके, सो स्वीट, थैंक यू। हैदराबाद की हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? गोवा में लड़कियों को ऐसी नजर से देखने वाले लड़के सिर्फ हैदराबाद की हो सकते हैं। प्लीज मुझे वहाँ लेके जा सकते हो? हाँ, वहीं पर क्यों, तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। सो ग्रेट, कम ऑन। तुम क्या करते हो डार्लिंग? मैं बहुत फेमस फोटोग्राफर हूँ। You don't know? No. You have to take me to Hyderabad, darling, please. क्या बात है? क्या हम वहाँ पर देवदास और कुत्ते की तरह जिंदगी भर साथ रहेंगे? देवदास और कुत्ता? हाँ, पार्वती और देवदास बीच में अलग हो गए थे, लेकिन देवदास के साथ ही था उनका पालतू कुत्ता। ऐसे ही हमें भी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। Oh my God, you're so intelligent. हाँ रे। हाँ रे, सही में। ओ, इधर आ रे। हाँ। अब हमें दुनिया में कोई भी बेवकूफ अलग नहीं कर सकता। कमिंग सर। चलो, बॉस बुला रहे हैं। किस लिए? मुझे पता नहीं। आरएस ब्रदर्स में डिजाइन अभी तक क्यों नहीं पहुंची? सर वो फोटो सेशन के लिए हमने रहीम को कब से बोल के रखा था, लेकिन वो कुछ ध्यान दिए बिना आपके साथ गोवा चले गए। उसे अभी फोन लगाओ। हाय रोजी, और बोलो, मैं तुमसे दूर हो गया इसलिए दुखी हो गई क्या? एमडी सर, आरएस ब्रदर के फोटो सेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। वेलकम टू साउथ सेंट्रल रेलवे इंक्वायरी काउंटर, प्लीज इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 1। हिंदी में घोषणा के लिए 2 नंबर दबाइए, तेलुगु में जानने के लिए 3 दबाकर फोन रख दीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो दोबारा फोन मत लगाना। क्या कह रहा था? असल में जिस बारे में बात कर रहे थे वो बात हुई नहीं। वर्स्ट फेलो, दिन भर लिपस्टिक पोतना और छोटे छोटे कपड़े पहनना, काम पर ध्यान नहीं रहता तुम्हारा। राम, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन यार, तू उससे नाराज तो नहीं है ना? मेरा बर्थडे याद करके गोवा से तू यहाँ आया है, मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन? स्टूपिड, गोवा में घुमाना काफी नहीं था जो इसे घर पे ले आया? ऐसा नहीं यार। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक भी काम तुमसे ठीक तरह से नहीं होता। आरएस ब्रदर्स का फोटो सेशन क्यों नहीं किया? करने के लिए सही मॉडल मिलनी चाहिए ना, उसके लिए ये करेक्ट है। यही सोचकर इसे यहाँ पर लाया हूँ, समझे? शी जस्ट लाइक इंटरनेशनल मॉडल, यू नो। अरे डार्लिंग, तुम जर्नी करके बहुत थक गई होगी ना, जाकर फ्रेश होकर रेस्ट करो। क्यों रे, इंटरनेशनल मॉडल बताकर मुझे बेवकूफ बना रहा है? कहीं तो उसके साथ हद से ज्यादा तो नहीं कमिट हो गया?
लेकिन बैडली फील मत कर, मैं पहले की तरह कमिट नहीं हुआ हूँ, शादी का वादा किया उससे। अरे बुद्धू, तुझे शाहरुख समझकर पटा नहीं रही है तुझको, तेरे पास कार पैसा देखकर तुझे ट्रैप कर रही है और तू कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। ए, यूज कर रही है वो तुझे, तू अभी उसे गोवा भेज। राम, हर रास्ते का एक मोड़ होता है और हर पेड़ से छाया मिलती और हर है। कुत्ते को एक दुम होती है। एक दिन होता है और हर मर्द के लिए एक औरत होती है और यही सोचकर वो मेरे पीछे पड़ी है। ऐसे आने वाली लड़की के पीछे एक बड़ी कहानी होती है और उस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। बेवजह प्रॉब्लम में फंस जाएगा तू, उसे गोवा भेज दे। प्रॉब्लम वो कैसी होती है? You are too haughty. Rahim. ये सब शादी के बाद। जरूरत हो तो पहले भी कर सकते हैं। No way. जानू, अपनी शादी कब होगी जानू? जितना तुम्हें पता उतने मुझे पता है। हमारी शादी के लिए पहले राम को ओके करना होगा। हमारी शादी हमारी मर्जी, बीच में राम का क्या लिंक है? तुम मुझ पर विश्वास करती हो लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं करते, इसीलिए मेरी जिंदगी की डोर राम के हाथ में दे दी है। उसने हाँ कह दी तो शादी पक्की। लेकिन तुम टेंशन मत लो, आज राम का बर्थडे है, वो अच्छे मूड में रहेगा, उसे ग्रैंड पार्टी देकर अपनी शादी की बात करूंगा। हेलो। हेलो राम। क्या रे चिल्ला क्यों रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है ना, धीरे बात कर। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए तुम्हें ग्रैंड पार्टी देना चाहता हूँ। सॉरी यार, मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मीटिंग कर रहा हूँ, समझ में आ गया? अब फोन रखो। मेरा दोस्त है अर्चना, आज मुझे बहुत खुशी हो रही वो है। क्यों? क्यों? Oh, no, 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 not me. First birthday boy. बाप रे बाप, तू मित्र द्रोह कर रहा है, गोवा में लड़की के हाथ में प्राइस देकर यहाँ उसके हाथ से केक खा रहा है। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। चलो चल के अभी उसकी खटिया खड़ी करते हैं। ये लो, हमें यहाँ नहीं दिखने चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। इससे कैसे डील करना मैं बाद में बताती हूँ। नहीं, हम उसे रेड हैंड पकड़ेंगे, चलो आप। क्या करती हो डार्लिंग, में जो कह रहा हूँ सुनो। तुम भी मेरा राम इसलिए बच गया वरना। तुम्हारा ऑफिस है ना, वहाँ चलते हैं। सुपर आइडिया, वहीं पर राम की खटिया खड़ी करेंगे। वेलकम, कैसा लगा मेरा ऑफिस? वाओ, ये है मेरा ऑफिस। तुम्हारा? अरे जो तुम्हारा है वो मेरा है ना। चुनौती, दोनों दोस्तों ने मिलकर इस लड़की को झूठ बोलकर गोवा से उठाकर लाए हैं। हेलो संध्या, फोटो आ गए क्या? हेलो मिस्टर कामराज, हाउ आर यू? जस्ट एवरेज। ये नई चिड़िया, शट अप, शी इज माय लव, ये मेरी मंगेतर है। अंजलि, ही इज फनी, इस ऑफिस का यही हेड मैनेजर, सॉरी मैनेजर। वी हैव टू सेंड इट बाय टुडे इवनिंग। और रोजी, शी इज इंटरनेशनल मॉडल, यू नो। तो ये भी इंटरनेशनल मॉडल है, इसे भी ड्रॉप किया तो ये भी बहुत जादू वाली है। तो कैसे लगे ऑफिस के लोग? हाय रहीम, हाय अंजलि, हाय अर्चना। तू अंदर आ, तुझसे जरूरी बात करनी है मुझे। मेरा भी सेम डायलॉग, तुम दोनों खूब बातें करो, मैं भी कॉन्फ्रेंस खत्म करके आता हूँ। सो ए, मैंने लड़की को गोवा भेजने के लिए कहा था ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम अर्चना को गोवा से आने लाया क्या? गोवा की नहीं, बैजाक की है। अंजलि भी गोवा की नहीं, बांद्रा की है। जवाब पे जवाब दिया जा रहा है, अर्चना टैलेंटेड है इसलिए उसको नौकरी मिली। बाप रे, तुमने इसे नौकरी भी दे दी? अच्छा यार, मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी देना चाहता था तो तुमने कहा कि तुम इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मीटिंग में हो, मीटिंग सक्सेस हो गई। ग्रैंड सक्सेस। कंग्रेचुलेशंस यार, तुम भी मेरे रास्ते में आ गए, तुम भी प्यार में गिर गए और प्यार में झूठ बोलना कॉमन बात है। मैं प्यार में हूँ? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। अच्छा, अर्चना को गोवा में प्राइज दिया, ऑफिस में जॉब दिया और उसके बाद मीटिंग में केक दिया, फिर ये सब लव नहीं तो और क्या है पप्पू? तुम ही बताओ मेरे दोस्त, ये सब क्या है? मतलब हम लोगों ने पार्टी मनाई तो हमें लव हो गया?
दरअसल हमारे बीच में जस्ट फ्रेंडशिप है कहना चाहते हो क्यों ना? हमको मैनेज करने के लिए अपने आप को धोखा दे रहे हो? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ यार, वो अंजलि मुझसे शादी करने के लिए मेरी जान निकाल ले रही। जल्दी से मेरे पेरेंट्स को अमेरिका में फोन करके बता दो ना कि मैं अंजलि के साथ और तू अर्चना के साथ प्यार कर रहा है। चल निकल यहाँ से, लव 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 जब देखो तब तुझे इसी का ख्याल आता है। निकल यहाँ से, चल चला है लव करने। देख यार मैं सच कहता हूँ, तू अर्चना से जरूर प्यार करता है। व्हाट, इतना सडनली? नहीं हो सकता। ठीक है, आ रही हूँ। ओके, कहाँ जाने की बात हो रही है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? नहीं, डैडी सडनली आने के लिए कह रहे हैं। एनीथिंग स्पेशल? मेरी सगाई है। सगाई? क्या राम इतने जोर से चीखे? वो क्या है, अभी अभी जॉब में ज्वाइन हुई है और अभी सगाई अभी शादी, इसलिए थोड़ा क्यों कवर कर रहे हो यार? मेरा राम शादी खुद करेगा नहीं और किसी को करने भी नहीं देगा। इसे प्यार और शादी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तुम अर्जेंट वाइजॉग जाकर शादी करो और हनीमून मनाने के लिए गोवा ही जाना। एनीवे हार्टली कांग्रेचुलेशन। इस मौके पर सभी ऑफिस के स्टाफ को पार्टी, ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो हमेशा लोगों को याद रहे। क्या हुआ राम, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो बोलो, जो मन में आए बोल दो। अर्चना, दरअसल वो मुझे, आई डोंट बिलीव इन लव, मुझे लव शब्द से ही नफरत है, आई हेट इट। राम, अगर मैं अभी नहीं निकली तो आई मिस माय फ्लाइट यार, आई मेक अ मूव यार। ओके, बाय बाय। देखा तुमने इस घमंडी को कितना ईगो है इसे। अब हमें अर्चना की शादी का आखिरी हथियार मिला है, उस हथियार से मैं अपने राम पर विजय हासिल करूंगा। आई लव यू अर्चना, वो चिल्लाएगा इस तरह से, देखना तुम एक दिन। कम ऑन डार्लिंग। ये क्या भाई, कभी भी पिक लगाना शुरू कर देता है, किसी ना किसी दिन दिवाला निकाल के रहेगा। हाय हाय, बोलिए आप। हाँ, यहाँ पे शराबी मिलती है हाफ ब्लैक लेवल, तुम्हें क्या चाहिए? फुल बोले तो फुल साइज फोटो, हाफ बोले तो हाफ साइज फोटो, हमें एक हाफ साइज फोटो चाहिए। इनके लिए फुल साइज अच्छा रहेगा, हर एक पार्ट दिखाई देगा। हेलो, हम यहाँ पर फोटो उतारने नहीं आए हैं। फिर किस लिए आए हो? जो फोटोग्राफ है तुम्हारे पास, उनमें से छुरी की नोक के बराबर लड़का चाहिए। शादी के लिए? शादी के लिए? आजकल शादी का संबंध स्टूडियो में फोटो देख कर हो रहा है। लेकिन शादी किसकी है? मेरी है। तुम्हारी है? तुम्हारे लिए तो एकदम छुरी की नोक के बराबर लड़का दिखाता हूँ, एक मिनट रुको जरा। ये देखिए, आपको निश्चित पसंद आएगा। शादी के लायक लड़का नहीं है, ड्रेनेज में अंगूठिया चुराने वाला लग रहा है। गलती मत करो, मेरी फोटो है। मैं अभी तक कुंवारा हूँ, स्टिल बैचलर। और होने भी नहीं है। पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, छुरी के नोक के बराबर लड़का चाहिए ना, उतना ही ना देता हूँ। खर्चा लगेगा? खर्चे की परवाह नहीं, तो ठीक है। ये लीजिए, अच्छा लड़का है, काम आएगा। चले त्योहार मना। चलो, अरे आज तो सुबह सुबह ही नोट मिल गया, आज का दिन बड़ा लकी है। अपन अभी डायरेक्टली प्रिंटिंग प्रेस में जाकर उसके बाजू में अर्चना की फोटो लगाकर एकदम ही वेडिंग कार्ड बनाकर राम के मुंह पर दे मारेंगे, उसका सर झंझना जाएगा, मेरे पैरों पर गिरकर अर्चना के प्यार की भीख मांगेगा। You're too clever, darling. Thank you, darling. ये कोई माफिया का लगता लगता है। चलो 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 चलते हैं। रहीम, मैं रोजी से प्यार करता हूँ, रोजी राम से प्यार करती है, तुम ही कुछ करके हम दोनों को मिला दो, तू अंजलि को ही समझा। एक बात बताऊँ फनी, तुम्हें मैटर कम पता है और जल्दबाजी ज्यादा है। वहाँ मेरा राम अर्चना के प्यार में डूबकर तैर रहा है। तुम जरा भी परेशान मत हो, रोजी तुम्हारी, हर रोज तुम्हारी। सच में? कितनी अच्छी न्यूज सुनाई है तुमने। उधर देखो, राम और अंजलि। बहुत मजा आएगा। हाय रहीम। हाय फनी। ये क्या है? राम मधु अर्चना के प्यार में डूबा है कह रहे थे, अब मेरी रोजी को ले जा रहा है। और अर्चना की शादी फिक्स हो गई, इसलिए अब रोजी से प्यार कर रहा है। चुप कर। वेडिंग कार्ड देखने के बाद सोचा था ये रोएगा, लेकिन ये क्या, बायोग्राम की तरह एकदम होशियार हो गया। अरे बाप रे, कहीं अर्चना को फोन तो नहीं किया? चलो रानी, चल के पता करते। ये वायग्रा यूज करता है। ओके रोजी, मैं जरूर आऊंगा। सो स्वीट ऑफ यू राम, बाय बाय।
क्या है दोस्त, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अरे मैच फिक्सिंग हुआ है इसके लिए। वाओ, क्रिकेट मैच? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया जीतेगा? राम जीतेगा। इसका मतलब तुम वनडे मैच के लिए नहीं बल्कि अर्चना के मैच के लिए कह रहे हो। एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा यार, अर्चना का मैच फिक्स हुआ तो तुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है? वो मैच मैंने ही फिक्स किया है। ये क्या मैच तो अपन ने फिक्स किया था ना? अच्छा यार, इस बीच में तुमने अर्चना को फोन वोन किया था क्या? ऑलरेडी फिक्स है तो फोन क्यों? डायरेक्टली शादी। अच्छा राम, मैं अर्चना के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे क्या? मैं क्यों तुम्हारे साथ आऊँ? मुझे ही मिलने वाला गिफ्ट मैं क्यों खरीदूँ? मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों दूँ यार? तू मेरी तरफ से गिफ्ट खरीदने जा रहा है ना? ओहो, मैं गिफ्ट खरीद कर लाकर तुम्हें दूंगा तो तुम जाकर अर्चना को दोगे। जो कर रहा है तेरी तो, तू गिफ्ट मुझे दे, अर्चना को बात एक ही है। यार मुझे पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे अभी कंफ्यूज हो गया तू? अभी तो कंफ्यूजन बाकी है। जरा तस्वीर से तू नजर के साथ। समथिंग रॉन्ग, मैच फिक्सिंग कहीं और हो रही है। बाप रे, ये तो राम है। अगर ऐसे वो देख लेगा मुझे तो बगैर स्ट्रोक के मेरा दिमाग चूस लेगा। चलो चलो चलो। ए, जरा ठहरो। रहीम, तुम दोनों को इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेट फॉर ईच अदर यार। क्या दोस्त, क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ यार, मैं बहुत बदल गया। लेकिन राम, तुम्हें मुझे माफ करना। क्या? मैंने गलती की है। शादी से पहले ही? जी जी, वो गलती नहीं, मैंने तुम्हारे करेक्टर को गलत समझा। फ्रेंडशिप को जो तुमने वैल्यू दी है मैं उसे समझ नहीं सका। तुम्हारे और चना के बीच प्यार नहीं बल्कि अच्छी फ्रेंडशिप है, ये हम समझ नहीं पाए। सच में तुम ग्रेट हो यार। आई एम सॉरी दोस्त। नहीं दोस्त, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। रहीम, क्यों? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। अर्चना से मैं बहुत प्यार करता हूँ। राम। हाँ यार, और शादी का फैसला भी कर लिया। इतनी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई है, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। हाँ यार, लेकिन अर्चना की शादी होने वाली है ये जानते हुए भी तुम इतना खुश क्यों हो रहे थे? ये शादी नहीं होगी इसीलिए। नहीं होगी? ये तुम्हें कैसे पता? दूल्हे ने कहा। दूल्हे ने कहा? ओ मेरे पागल दोस्त, जब अर्चना की शादी ही नहीं होने वाली तो उसका दूल्हा कहाँ से आकर गिरा? क्या है ये, वेडिंग कार्ड तो तुमने भी देखा था। देखना क्या है? वो कार्ड हमने ही तो प्रिंट करवाया था। हाँ यार, तुम्हारे दिल में जो बात है उसे बाहर निकलवाया तभी तो हमारी लाइन क्लियर होगी, इसलिए कार्ड प्रिंट करके कुरियर करवाया था। अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो रवि अर्चना के सेल से फोन कैसे कर सकता है? इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? तेरे पास सेल नहीं है क्या? है तो एक बार तो उसको फोन कर, मैं यूं उसका एड्रेस और पता निकाल कर देता हूँ। तुम लोग सब चुप रहना। हेलो राम, हाउ आर यू? फाइन रवि। तुम्हें जो 5 लाख रुपए देना है उसका इंतजाम तो अभी। अरे छोड़ना, मेरी बात सुनो रवि, शादी कैंसिल करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स मान गए? या, मेरे पेरेंट्स तो मान गए। यस, थैंक यू सो मच रवि। लेकिन अर्चना के पेरेंट्स की तरफ से छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम? मिलिट्री मेजर को प्यार करने वालों से और प्यार से बहुत ज्यादा नफरत है, और शादी का कार्ड छप जाने के बाद अचानक मेरे पेरेंट्स उसको रोकेंगे तो वो मेरे पेरेंट्स को शूट कर देगा, मुझे ऐसा लगता है, और इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो फिर तुमने इस बारे में अर्चना से डिस्कस किया? क्या बात कर रहे हो राम, अगर अर्चना के दिल में तुम होते तो मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार होती? हमारी वेडिंग का कार्ड सबसे पहले तुम्हें क्यों भेजती? देखो यार राम, तुम्हारा जस्ट वन साइड लव है। तुम्हें किस चीज की कमी है? इतनी दौलत है, स्मार्ट हो, अच्छी से अच्छी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे लिए लाइन में खड़ी हो जाएंगी। अब तुम अपने दिल में कुछ भी रखे बिना हमारी शादी में जरूर आना। अगर तुम नहीं आए ना तो मुझसे ज्यादा अर्चना को फील होगा। ओके, यू हैव टू कम, सी यू, बाय। रवि रवि, अरे बाप रे, जस्ट मिनट, बाथरूम से आता हूं। क्या हुआ राम? ये शादी नहीं होगी। हमने भी तो वही कहा था। तुमने कहा था उसकी शादी नहीं होगी, उसने कहा मेरी शादी नहीं होगी।
देखो तुम कंफ्यूज होकर मुझे कंफ्यूज मत करो, फोन इधर दो, मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। हेलो रवि, है क्या? नहीं है, वाटर छिड़कने गए हैं। क्या रे, यहाँ मेरे दोस्त को टेंशन देकर वहाँ पानी छिड़क रहा है? ए, अब तक मैं जिंदा हूँ, अर्चना और राम के प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता। मतलब तुम ही अलग करोगे क्या? सुनो, ये कोई राम का दोस्त लग रहा है, फोन में उसके साथ फुटबॉल खेलो। ची ची, मुझे पर पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या है? इसको जब देखो तब पेटी उठाकर यहाँ वहाँ कूली की तरह घूमता रहता है। उसकी पत्नी क्या है? वो मेरा पर्सनल ड्राइवर, उसे कुछ मत कहो। कार का ही ना? क्या? अरे ड्राइवर कार का ही होता है, तू जितना है उतना ही रहे। रे, कौन है तुम लोग, अपने आप से बात कर रहे हो? सुनो सुनाओ और अपनी लाइफ बनाओ 99.5 FM। रे, कौन है तू? क्रांतिकारी न्यूज पढ़ने जैसा बोल रहा है, बेवकूफ जैसा वेस्ट वॉइस आ रही है। रवि को फोन दे। गुड मॉर्निंग विशाखा, मैं रवि के आंटी, मैं बहुत हॉट हूँ गुरु। मैं बहुत फ्लैट हूँ गुरु। तो उसकी आंटी है या उसकी पैंटी? अर्जेंटली रवि को फोन दे। हेलो, ये मिस्टर, डोंट वेस्ट माय टाइम, माय सन मैरिज सेटल्ड, ओनली वन वार्निंग आई गिव यू, फिर से सेल पे डोंट कॉलिंग। देखो बेटा, कुछ लोगों की किस्मत बदकिस्मती बनकर उनके पीछे घूमती है। क्या हुआ? तो वैसे भी हमारे रॉबर्ट की किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है। अरे बीच में रॉबर्ट कौन है रे? दरअसल उसकी एक नाटक मंडली है और सभी नाटक करते हैं और मैं फादर का कैरेक्टर करता हूँ। उसके लिए हम लोगों को पैसे मिलते हैं। भवानी, मेरे इकलौते बेटे की शादी होने वाली है, तू बीच में डिस्टर्ब कर रही है। आई विल किल यू, यू नो आई नो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बिल कलेक्टर From Hollywood to Tollywood. अगर तुम मुझे disturb करोगे तो I will ring up 5555 state name. Ronak. Super. अरे बाप रे बाप, दोस्त ये international fraud gang की तरह लग रहा है। ठीक है, उसने तुम्हें अर्चना के cell से फोन किया था ना? हाँ यार। हाँ? फिर हमें इसी वक्त वाइजैक के लिए रवाना होना चाहिए। वाइजैक? हाँ वाइजैक। Hey. उनके आने का वक्त हो गया, सब रेडी है ना? कर दिया सर। सुनो, जल्दी से अर्चना को तैयार करो। अरे बाप रे, आपको बहुत जल्दी है, वो तैयार हो रही है, लॉन में जाकर देखिए काम हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। एक्सक्यूज मी। नमस्कार। नमस्ते। अर्चना है क्या? आप कौन है? हम अर्चना की फ्रेंड है, हैदराबाद से आए हैं। आइए आइए, दाएं पैर आगे बढ़ाओ, अच्छा होगा। आप लोग बैठिए, मैं अर्चना को भेजती हूँ। ठीक है, बैठिए। हाय। हाय राम। मेरा नाम कैसे जानते हो? दीदी ने बताया था। जब से हैदराबाद से बैजक आई है तब से न्यूज रीडर की तरह घंटे घंटे तुम्हारे ही बारे में बात करती रहती है। मेरे बारे में कुछ नहीं बोली। बोली ना, राम के बाजू में हमेशा चिपक के रहने वाला है एक आदमी, उसका नाम है रहीम, और वो बेवकूफ है। गोवा से एक लड़की को उठाकर लेके आया था। क्या वो यही है? इससे ज्यादा बेवकूफ नहीं मिला था क्या? तुझे बहुत सयाना साला मिला है। नमस्कार। What a surprise! Hey, शादी के जोड़े में सच कर दुल्हन की तरह है। चुप कर, हर छोटी बात को लेकर टेंशन लेता है बेकार में। Hi. Ram, what a surprise! तुम यहाँ मेरे घर पे? Oh my God! Hi रहीम, hi अंजलि। Hey, at least आने से पहले कॉल कर दिया होता। बिजनेस के लिए आया था। ठीक है, लगेज कहाँ है? हाँ, वो कार में है। होटल में कमरा लिया है, तुम्हें देखने की इच्छा हो रही थी इसीलिए आए थे। अब चलते हैं। हाँ? क्या चले जाओगे हमारा गेस्ट हाउस होने के बाद भी? नो वे राम। व्हाट बेबी? डैडी, राम, मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये भाई मदन है। देखिए ना डैडी, गेस्ट हाउस में रहने के लिए बोल रहे हो तो होटल में जा रहे हैं। देखो मदन, हमारे गेस्ट हाउस में सारी फैसिलिटी है, तुम जितने दिन चाहो रहो। अर्चना को इजहार करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है अंकल जी। अरे बंटी, अपने गेस्ट हाउस में ले लो। चलो। राम, सडनली तुम मेरे घर पर आके तुमने मुझे सरप्राइज किया ना, तो मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। आ चले। फाइनल एंड लास्ट, मेरे पति का निवाला। कुछ भी हो, मैं इसका पति हूँ, मुझे कितना प्यार करती है। सारा निवाला अपने नाम से खिलाया, आखिर तुम्हारे पति का है क्यों का? कुछ भी हो, मेरे पति है, इनकी नहीं नजर उतारूंगी तो इसकी उतारूंगी। नजर क्या, इतने दिन हो गए शादी के, कभी तुमने अपने हाथों से खिलाया? क्यों जी, मैंने कभी इनको खिलाया है क्या? ओके जूली, थैंक्स फॉर योर लंच। नहीं रहेगा तब मिलेंगे।
ये कार्ड यहाँ पर? ए मेरे दोस्त का है। ए सुनो, चुपचाप खाना खा के यहाँ से चले जाओ। हेलो, तुम्हें एक बात पता है? मैं भी इसी शादी में आया हूँ। डुप्लीकेट शादी में इसका ना? रॉबर्ट तेरा दोस्त है क्या? उसका नाम रॉबर्ट है क्या? मैं लड़की वालों की तरफ से आया हूँ। क्यों, शौक लगा ना? नहीं, दिमाग की सारी नसें आपस में फंस गई, मैं क्रैक हो गया। विश यू स्पीडी रिकवरी। थैंक यू फॉर योर लंच। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से पढ़, क्लियरली समझ में आएगा। करेक्ट।